कौमी असम्बली में रहीम यार खान में मंदिर पर होने वाले हमले के खिलाफ करारदाद पेश। करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने पेश की। उन्होंने सारे ख्याल करते हुए कहा कि हमें बाहसियत मुसलमान और इंसान इस वाक़े पर दुख है। जिसने ये वाक़या किया उसका इस्लाम क्या इंसानियत से भी रिश्ता नहीं है। उलमा ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। इस मामले पर हम सब एक हैं। अफगान हुकाम ने 17 सूबों में किए जाने वाले ऑपरेशंस में 400 से ज्यादा तालिबान की हलाकत का दावा कर दिया है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर रखा है। ताज़ा तरीन कार्रवाईयों में ननगरहार, लुगमान, गजनी, पख्तिया, खोस्त, कंधार, जाबुल में की गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान में मंदिर हमले के मुल्जिमान फौरी पकड़ने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमिश्नर रहीम यार खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाकयात न हों। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आईजी पंजाब इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश करते हुए इस्तफसार किया कि मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। जिस पर आईजी पंजाब ने कहा कि एसी और एएसपी मौका पर मौजूद थे। इंतजामिया की तरजीह मंदिर के आसपास हिंदू घरों का तहफ्फुज था। मर्दान में शदीद तूफान और बारिश के दौरान छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में तालिबे इल्म समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि खातून और 12 तुलबा समेत 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। बारिश से कई इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से रुकने कौमी असम्बली औरंगजेब कच्छी, सूबाई वज़ीर जहाज़ेब कच्छी अराकी ने पंजाब असम्बली सैयद अब्बास अली शाह, इफ्तिहार गोंदल, गज़नफर अब्बास चीना और दीगर की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल की जानिब रमादवा है। पीटीआई हुकूमत ने पहली बार बासर बदनवान अनासिर पर हाथ डाला। वज़ीर आला पंजाब के मावन खुसूसी ओन चौधरी मुस्तफ़ी, ओन चौधरी पर अराकीन असम्बली को तरीन ग्रुप में लाने के लिए लॉबिंग का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी तरीन ग्रुप की सरगर्मियों में पेश थे, सरगर्म रहनुमा भी रहे हैं। ओन चौधरी ने वज़ीर आला से मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश किया। ओन चौधरी से इस्तीफ़ा लेने का फैसला गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के इजलास में हुआ। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ उस्मान बुज़दार को इस्तीफ़ा लेने की हिदायत की थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को खबरदार किया है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी को बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। और लियाकतपुर के गांव 28 चेक के करीब नहर में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी घरों में दाखिल होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। मशीनरी के हमराह टीमें मौका पर पहुंच गई। एक माह में दूसरी बार इसी जगह से शगाफ पड़ा है। इलाका मकीनों का मसले का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा। अस्सलामु अलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फिजाइया का लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया है। तर्जमान पाक फिजाइया के मुताबिक लड़ाका तरबियती तैयारा अटक के करीब गिरकर तबाह हुआ, जबकि दोनों पायलट जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब हो गए। तर्जमान ने बताया कि हादसे के नतीजे में जमीन पर किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। तर्जमान पाक फिजाइया ने मजीद बताया कि वाकई की वजूहत जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान में मंदिर हमले के मुलजिमान फौरी पकड़ने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कमिश्नर रहीम यार खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि यकीनी बनाया जाए कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हों। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान में मंदिर हमले केस की समाअत हुई है। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आईजी पंजाब इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश करते हुए इस्तफसार किया कि मंदिर पर हमला हुआ,
इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी, जिस पर आईजी पंजाब ने कहा कि एसी और एएसपी मौका पर मौजूद थे। इंतजामिया की तरजीह मंदिर के आसपास हिंदू घरों का तहफ्फुज़ था। अदालत ने कहा कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो हटा दें। आईजी पंजाब इनाम गनी ने अदालत को बताया कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि एक बच्चे की वजह से ये सारा वाकया हुआ है। इस वाकये से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। पुलिस ने मासवाए तमाशा देखने के कुछ नहीं किया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मावन खसूसी बराए इत्तला'आत और नशरियात डॉक्टर फिरदोस आशिक अवान को एक मरतबा फिर विफाक में अहम जिम्मेदारी का फैसला कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर फिरदोस आशिक अवान को विफाक में महकमा बहबूद आबादी का मावन खसूसी मुकर्रर करने का फैसला किया जा रहा है। फिरदोस आशिक अवान वज़ीर आज़म की मावन खसूसी की हैसियत से जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगी। इससे कबल डॉक्टर फिरदोस आशिक अवान वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर बराए इत्तला'आत की जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। ज़राए का कहना है कि पंजाब में फयाज़ुल हसन चौहान को एक मरतबा फिर वजारत इत्तला'आत की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। फयाज़ुल हसन चौहान पहले भी वजारत इत्तला'आत की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से फिरदोस आशिक अवान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फिरदोस आशिक अवान की खिदमात को सराहा गया। फिरदोस आशिक अवान ने पंजाब में खिदमात सर अंजाम देने में ताउन पर वज़ीर आला की तारीफ करते हुए कहा कि सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बरौने मुल्क भिजवाने का फैसला इमरान नियाजी हुकूमत का था। डॉक्टर जब इजाजत देंगे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी फायदे के लिए हकायक के बरक बयानात बाइस से अफसोस हैं। सियासी नफरत पर मबनी हुकूमती बयानात पाकिस्तान के वक़ार के मनाफी हैं। सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछाले तो मेहरबानी होगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। एक फ़र्द को बदनाम करने का हुकूमती रवैया पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है। कायदे हिजब इख्तलाफ का कहना था कि नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला इमरान नियाजी हुकूमत का था। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये फैसला भी सरकारी बोर्ड का था। कौमी असम्बली में रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने पेश की है। कौमी असम्बली में पेश की जाने वाली करारदाद में कहा गया है कि ऐवान मंदिर वाक़े की मजम्मत करता है। ऐवान अदा करता है कि मंदिर वाक़े पर पूरी कौम अकलीतों के साथ है। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में रहीम यार खान में मंदिर जलाने के खिलाफ करारदादें मंजूर की गई हैं। करारदाद तहरीक इंसाफ के अकलीती रुकन रवि कुमार ने पेश की, जिसमें रहीम यार खान में मंदिर के जलाओ घराव की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। करारदादों के मतन में कहा गया है कि मंदिर जलाने में मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाए। उधर वफाकी वजीर इत्तला'आत और नशरियात फवाद चौधरी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि पाकिस्तान के झंडे में मौजूद दोनों रंगों की हुरमत हमारे लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान भारत नहीं, यहाँ किसी किस्म की फासिस्ट आइडियोलॉजी नहीं चल सकती। फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के झंडे में मौजूद दोनों रंगों की हुरमत हमारे लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान भारत नहीं, यहाँ किसी किस्म की फासिस्ट आइडियोलॉजी नहीं चल सकती। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात फवाद चौधरी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मंदिर हमले के मुलजिमान को करार वाकई सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक तरक्की करने वाले मुल्क का है। अकलियती बरदारी के दिलों को ठेस पहुँचाने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। खुशी है वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मंदिर पर हमले का नोटिस लिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में मंदिर वाकये के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली गई है। ओआईसी का इंसानी हकूक कमीशन इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद चला गया। वफद सदर आज़ाद कश्मीर और अक़वामे मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन से मुलाकातें और लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करेगा। भारत ने वफद को मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाज़त नहीं दी थी। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी से आलमी सतह पर मसला कश्मीर जिंदा होने का सबूत। इस्लामी ताउन तंजीम के मुस्तकिल आज़ाद कमीशन बराए इंसानी हकूक की दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वफद के 13 अरकान में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, ट्यूनस, मराकश, अजरबैजान, मलेशिया, नाइजीरिया और युगेंडा के अरकान शामिल हैं। अजरबैजान के डॉक्टर एदन सफी खान अली ने कहा है कि कश्मीरी भाइयों और बहनों को ये बताने जा रहे हैं कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि भारत ने उन्हें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दौरे की इजाज़त नहीं दी। 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स रखने वाले यूट्यूबर्स के लिए खुशखबरी। यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पर नए चैनल बनाने वाले सार्फिन के लिए एक नया फीचर ऑन द राइज मुतारिफ कराया है। यूट्यूब ने 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स रखने वाले चैनल्स को मकबूल बनाने के लिए एक प्रोग्राम के आगाज का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम के बाद छोटे यूट्यूबर्स को प्लेटफॉर्म पर मकबूल होने के लिए जदोजहद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब अब जिम्मेदारी खुद उठाएगा। प्रेस रिलीज के मुताबिक हर हफ्ते एक मुख्तलिफ क्रिएटर को उजागर किया जाएगा और क्रिएटर
क्रिएटर ऑन द राइज पेज के साथ पूरा दिन क्रिएटर को ट्रेंडिंग पर नुमाया किया जाएगा। यूट्यूब का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में इस फीचर को मजीद जुबानों में मुतारिफ करवाया जाएगा। मियांवाली में रेस्क्यू गाड़ी की टक्कर से मां बेटा जांबहक हो गए। रेस्क्यू मियांवाली की तेज रफ्तार गाड़ी ने निश्तर अस्पताल के सामने मोटरसाइकिल सवार दो मां बेटे को कुचल दिया है। रेस्क्यू ने वाकया छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ये अफसोसनाक वाकया 2 या 3 अगस्त को पेश आया था, जहाँ पे सरकारी अस्पताल की मुलाजमा जो है वो अस्पताल में हाजिरी लगवा के घर वापस जा रही थी अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर, लेकिन गेट पे रेस्क्यू गाड़ी जो है वो मरीज शिफ्ट करने के लिए अस्पताल आ रही थी, जहाँ गेट के सामने टक्कर हो गई मोटरसाइकिल की गाड़ी के साथ। तो फिलहाल इब्तदाई तौर पे दोनों जख्मी थे, लेकिन उसकी वालदा जो है वो मियांवाली अस्पताल में थी और उसके जो जवानसला बेटा है उसको रावलपिंडी रेफर किया गया था। तो जवानसला बेटा भी आज जो है उसका वफात पा गया और वालदा जो है वो भी वफात पा गई। सरकारी अस्पताल की मुलाजमा जो है दोनों का ताल्लुक मसाई बरादरी से है और उनके मुताबिक रेस्क्यू ने ये जो न्यूज़ है वो छुपाई थी, क्योंकि 3 अगस्त की न्यूज़ थी। रेस्क्यू की तरफ से इसकी कोई प्रेस रिलीज जो है वो जारी नहीं की गई थी। आज जब उन दोनों की डेथ हुई है, FIR दर्ज की गई है ड्राइवर के खिलाफ, तो तब जाके ये न्यूज़ सामने आई है। उन्होंने आलो काम से दरख्वास्त की है कि रेस्क्यू ड्राइवर जिसकी गफलत से 2 इंसानों की जान गई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये जो पाक साफ इदारा है ये इन जैसे ड्राइवरों से पाक किया जाए। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी दिलचस्पी और रुकन कौमी असम्बली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा अमजद अली खान की खुसूसी काविशों से लेफ्ट स्कीम 3 खेल की नई मशीनरी की तनसीब का काम मुकम्मल होने के करीब, फाइनल टेस्टिंग जारी है। तफसीलात के मुताबिक लेफ्ट स्कीम के जरिए 1R, 2R, 1L, 2L नाला कबीर वाला और अहमद खान वाला की टैलू तक पानी पहुंचाया जाएगा। मियांवाली के किसानों का कहना है कि वो मियांवाली के फर्जंद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस मनसूबे पर काम शुरू करके जिले के किसानों के दिल जीत लिए। उन्होंने मजीद कहा कि इस मनसूबे से किसानों को बहुत फायदा होगा। DIG ट्रैफिक पंजाब इमरान महमूद की खसूसी हिदायत पर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब मोहम्मद नवीद की निगरानी में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की तरफ से राशिद मिन्हास हाई स्कूल जौहर आबाद में ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के सिलसिले में सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब के इंचार्ज महर रफीक ने ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक लेक्चर दिया। दौरान लेक्चर बच्चों को सड़क क्रॉस करने, रोड पर पैदल चलने और बस पर सफर करने के हवाले से एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को कोरोना की चौथी लहर से महफूज रहने के मुतालिक हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत की है। जिला खैबर की तहसील जमरूड टेडी बाजार में नामालूम अफराद ने मोटर कार पर फायरिंग कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जांबहक, 1 जख्मी हो गया है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक जमरूड टेडी बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार और टैक्सी ड्राइवर जांबहक हो गया है, जबकि 1 शख्स शदीद जख्मी है। मुलजिमान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस एहलकार ड्यूटी से घर जा रहा था। शहीद पुलिस एहलकार का नाम कलीमुल्ला बताया जाता है। पुलिस ने बताया है कि ताहाल फायरिंग की वजूहात मालूम नहीं की जा सकी, जबकि तफ्तीश की जा रही है। जल्द वाकई की तफसीलात का पता लगाया जाएगा। डिस्कोट में मलिक उमर फारूक मुशीर वजीर आला पंजाब और AC उमर मकबूल ने म्यूनसिपल कमेटी डिस्कोट दफ्तर में मीटिंग की है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर बातचीत की गई। मजीद तफसीलात डिस्कोट से उदास मलिक की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी डिजकोट AC सदर मोहम्मद उमर मकबूल और मशीर वजीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक की जेर निगरानी फ्री मेडिकल कैंप का आगाज। मेडिकल कैंप में फ्री एक्सरे और जहनी बीमारियों की तशकीक की गई। लोगों को फेफड़ों की बीमारी के मतलब मालूमात दी गई और कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई। अहलान इलाका ने म्यूनसिपल कमेटी AC उमर मकबूल और मलिक उमर फारूक की इस काविश को खूब सराहा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल।